सभी को एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जन्मदिन है। पूरा देश 2014 से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार न होते तो शायद भारत माता का आज का मानचित्र हम सबके सामने न होता। उन्हीं की दृढ़ निश्चयता, उन्हीं की राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता और उन्हीं के लोहे जैसे इरादों का परिणाम है कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। मित्रों, कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है। और आज पूरे देश एकता दौड़ के माध्यम से और आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ के माध्यम से अपने आप को फिर से एक बार देश की एकता और अखंडता के लिए पुनः समर्पित करता है। मित्रों, आज के एकता दिन का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शुरू होने वाले अमृत काल का पहला एकता दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत काल से लेकर आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल जो आजादी का अमृत काल है, ये अमृत काल संकल्प से सिद्धि के हैं। हमें संकल्प लेना है कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त दुनिया में हर क्षेत्र में 15 अगस्त 2047 को दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया में भारत सर्वप्रथम होगा, ऐसे भारत का निर्माण हमने करना है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।